नहीं बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिर्फ डिफाइन इस तरह से शॉर्ट वे में करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड एट द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब यहां पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, जहां की यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे नीचे मैंने लिखा है वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज द फोर्स एंड क्यू इज द चार्ज, राइट। तो ये सारे टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो आप यहां पे अगर बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो दैट मीन्स न्यूटन पर कूलम, ये होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को और दूसरे जो एक यूनिट के टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं, तो ये होता है आपका, यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूजुअली कॉज्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन SI यूनिट वोल्ट पर मीटर, वी अपॉन एम। तो वोल्ट पर मीटर के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। तो ई इक्वल टू, दैट मीन्स ई इक्वल टू, एक फॉर्मूला आने वाले समय में जैसे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो ई इक्वल टू आप वहां पे देखोगे माइनस डीवी बाय डीआर, ठीक है। वो एक रिलेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन दिस मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, या आप कह सकते हो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट होगी। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जहां तक डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड या टूवर्ड्स कह दें निगेटिव पॉइंट चार्ज। जैसे कि आप मान लो कि यहां पे आप अगर आपने पॉइंट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अगर आपने ले भी लिया, तो इस तरह से मैं दिखाता हूं आपको, ये मान लो एक को मैं पॉजिटिव और एक को मैं निगेटिव से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ले लिया, मान लिया जाए, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बारे में मैं बात करूं, तो पहला वाला अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस लिख देता हूं यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अवे फ्रॉम, इस तरह से आउटवर्ड, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, बाहर की तरफ होती है। और अगर निगेटिव चार्ज अगर आप लेते हो, जैसे दूसरा वाला मैं ले रहा हूं यहां पर, दूसरा वाला ये अगर मान लो आप निगेटिव चार्ज ले रहे हो, तो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनवर्ड होगी, ठीक है ना। अच्छा सर, या वो डायपोल में भी ऐसे बताते हैं ना? डायपोल में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं डायपोल पे ही आऊंगा, तो डायपोल के बारे में पूरा डिटेल अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके लिए अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा NaCl, जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। आपने ये भी पढ़ा होगा वहां पे H2O, H2O में इस पे दो पॉजिटिव चार्ज हो गए 2+, और ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज आ गया 2-। उसी तरह से आपने ये भी पढ़ा होगा कि HCl, तो H+ और Cl-, है ना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डायपोल्स। इवन जो इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, जिसका आयुपेक नेम भी आपने पढ़ा होगा, इसको इथेनॉल बोलते हो, right? जी जी। ये सब जितने भी है ना, ये सब क्या है, ये सब के सब इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। क्यों? डायमेंस क्या होता है, डायमेंस टू, और यहाँ पे टू पोल्स है ना आपके सब, एक देखो दो पोल्स है, जितना पॉजिटिव पोल्स है उतने ही अमाउंट का, उतने ही मैग्नीट्यूड का निगेटिव पोल्स भी है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव पोल्स भी है, हर किसी में है। और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज,
तो चार्ज का जब दो पोल आपको देखने को मिल रहा है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब सिर्फ कंडीशन क्या है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की, कि इलेक्ट्रिक डायपोल तो अब यहां पे आपको देखना होगा, जब दो पोल आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो इक्वल होनी चाहिए और एक सर्टेन डिस्टेंस पे होनी चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि पेयर है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर है, तो दैट मींस पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बेसिकली ये जो डिस्टेंस आपने ली है 2L, ये काफी छोटा डिस्टेंस होगा, स्मॉल डिस्टेंस। आप कैसे स्मॉल डिस्टेंस होगा वो आप समझो, क्योंकि NaCl के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी कम होता है, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होता है, 10^-10 के फॉर्म में होता है, तो वो डिस्टेंस काफी छोटी होती है। तो यहाँ पे जो डायपोल है, जितने भी डायपोल्स मैंने दिखाए हैं उसके बीच का गैप जो होगा काफी छोटा होगा। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप p से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल p, ध्यान रखेंगे इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिस इज वन इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, या तो प्लस का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें या माइनस का चार्ज का, दोनों का मॉडुलस लोगे तो आखिर q ही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2L का है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये हो गया, डिफाइन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कैसे डिफाइन किया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। अब इसकी यूनिट देखो बेटा, चार्ज की यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो कूलम मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। आप बोलोगे कि यार ये तो बड़ा छोटा सा यूनिट सर ने बता दिया, कूलम मीटर लिख दिया, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, एमसी, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये मिली कूलम हो जाएगा, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, सी बी स्मॉल एम बी स्मॉल, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसे भी नहीं लिख सकते। लिखने में आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको लिखना है सी कैपिटल से और एम स्मॉल से, ठीक है, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। तो जब बात होगी आइडियल डायपोल की, पूरी आप चार्ज जैसे डायपोल आपने ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की सेपरेशन दिखा दी 2L से, तो समझ लो कि आप जब आइडियल डायपोल की बात करते हो, जब आइडियल डायपोल के बारे में आपके दिमाग में ये बात आती है, तो आप ये अब आपको यहां पे देखना है, जो ये 2L ले रहे हो ना, दिस 2L जो लेंथ है, सेपरेशन है दोनों के बीच की, ये ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो होनी चाहिए, मतलब काफी छोटी होनी चाहिए, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है, ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, माइनस, हाँ, टेंस टू जीरो होनी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट बहुत छोटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो चार्ज है इसके दोनों, ये चार्ज काफी बड़े होने चाहिए, मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, मतलब बड़े चार्ज और छोटा डिस्टेंस, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, ताकि जो डायपोल मोमेंट आपको मिल रहा हो, जो आपके पास डायपोल मोमेंट आ रहा हो, डायपोल मोमेंट पी से जिसको आप लिखते हो, स्मॉल पी से डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी, जिसको आप क्यू इंटू टू ए से लिखते हो, ये एक इनफाइनाइट वैल्यू दे, हैज अ फाइनाइट वैल्यू, किसकी, इसकी कैसी वैल्यू होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सर मगर कैसे करेंगे, जो बात करने जा रहा हूँ, ये जीरो है लगभग और ये इनफाइनाइट है, तो एक तरफ से इसका मतलब, एक तरफ से ये इसको खींच रहा है, एक तरफ से इसको खींच रहा है, मतलब एक लिमिट वैल्यू पे ये आके रुकेगा ना कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सच आर डायपोल ऑफ नेग्लिजिबल स्मॉल साइज इज कॉल्ड एन आइडियल और पॉइंट डायपोल, जिसमें आपके पास कंडीशन ये हो कि 2L मतलब सेपरेशन बिटवीन देम टेंस टू जीरो एंड द चार्ज टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, सच अ डायपोल ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल साइज इज कॉल्ड एन आइडियल और पॉइंट डायपोल। हाँ, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब ये आइडियल डायपोल आपके लिए क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ आइडियल डायपोल के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा डायपोल के, इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। जैसा यहां पे हमारे हेडिंग में लिखा हुआ है एक्सियल, मतलब अलोंग द एक्सिस,
अलोंग द एक्सिस मतलब यहां पे आपको कहीं पे चाहिए इस एक्सिस में, या आप राइट साइड में ले लो, यहां पे ले लो, या आप लेफ्ट साइड में ले लो, मतलब एक्सिस के अलोंग ही आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया, राइट साइड में प्लस क्यू की तरफ एक पॉइंट मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट पी, एंड एट दिस पॉइंट पी वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इस दो पोल के कारण जिसमें एक पॉजिटिव पोल है हमारा एक निगेटिव पोल है, इसके कारण आप क्या कर चाहते हो यहां पे इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्या है बताओ कि क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं जी हाँ सर मतलब कि एक डायपोल, एक यहाँ पे डायपोल दिया और उससे दूर एक कोई पॉइंट है, बिल्कुल, और बताना है कि इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इस पॉइंट पे आपको पी पॉइंट पे ना आपको बतानी है इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायपोल मतलब दोनों पोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। मतलब कि हमें बताना है कि इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, फिर उससे पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सही आपने पकड़ा है। तो देखो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू जो है इसके कारण ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मानते हो आप बात, क्योंकि यहां पे जो क्यू चार्ज आपने लिया है ना, यहां पे जो चार्ज है पॉइंट चार्ज है एक तरह का, ये जो पॉइंट पी आपने लिया है यहां पे एक तरह से आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इसको क्या करेगा इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा राइट साइड डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, तो रिपेल करेगा ना, इसका इसका चार्ज ज्यादा है और इसका चार्ज उसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ये क्या करेगा सर के पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज हम लोग जो लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैं ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू ऐसा लिख दिया मैंने। अब बात करता हूं मैं माइनस की, ये माइनस वाला, माइनस वाला क्या चाहेगा, तो माइनस वाला पता है आपको क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये अट्रैक्ट होगा इस तरफ, पी वाला जो है ना ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ जाएगा ये इस तरफ जाना चाहेगा, ध्यान से देखना आप बात को समझना, मैं फिर से क्लीन कर रहा हूं इसको और इसके बाद बता रहा हूं यहां पे, ये क्या चाहेगा पी वाला चाहेगा इस तरफ आना, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, तो ये अट्रैक्ट जो होगा अट्रैक्ट होगा माइनस क्यू के कारण, ठीक है, और जो रिपेल हो रहा है, रिपेल हो रहा है प्लस क्यू के कारण, क्लियर है। अब ये जो पॉइंट पी है एक ही जगह पर रहेगा क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड हैं। अभी नहीं अभी बात नहीं करेंगे उसकी, कहां रहेगा उस बाद में देख लेते हैं, अभी मैं बात करता हूं कि ये मिड पॉइंट जो है आपका, ये मिड पॉइंट ओ, इससे इस पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लो इस मिड पॉइंट से आपकी जो पी की डिस्टेंस है वो आर की है, कितने की है, स्मॉल आर की, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया कि ये पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है स्मॉल आर की, मिड पॉइंट, ठीक है। अब जो है आप ये देखो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये तो एल है आपका, यहां से यहां तक ये देखो ये एल है, तो ये एल है, अगर आप इससे इसकी डिस्टेंस देखना चाहोगे यहां से यहां तक, मतलब प्लस क्यू से पी तक की जो डिस्टेंस, अगर कोई बोले कि इसका डिस्टेंस बता दो कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आर माइनस एल, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस आपने निकाला आर माइनस एल का, बहुत सही बताया आपने। और मैं बोलूं कि एक डिस्टेंस और पूछूंगा मैं आपसे, वो डिस्टेंस है यहां से माइनस क्यू से पी तक की, ये भी बता सकते हो आर प्लस एल, वेरी गुड, आर प्लस एल, ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इसके लिए, तो जैसे आपने बताया था अभी, हमने हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बताया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल टू एक फॉर्मूला आपने बताया था F बाय क्यू, अभी हमने देखा था F बाय क्यू ऐसा लिख दिया मैंने, मान लो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नॉट लिख लेते हैं, ठीक है,
आपने समझने के लिए अभी देख रहा हूं मैं। और इसमें एक चार्ज ऐसा हो, एक चार्ज आपका क्यू हो, दूसरा चार्ज आपका क्यू नॉट हो, ये वाला चार्ज क्यू नॉट हो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? एफ इक्वल टू, ये फॉर्मूला ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स कितना लग रहा होगा? तो पहले फोर्स देखोगे आप, फोर्स एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, के एफ बाई क्यू नॉट लिख दिया, और एफ की जगह पे फॉर्मूला लिख दिया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या क्यू नॉट। तो क्यू नॉट एक क्यू नॉट एक क्यू नॉट कैंसिल हो गया जी। तो फॉर्मूला क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल में ला सकता हूं ना जी। मैं इस चीज को इसलिए यहां पे दिखा रहा हूं कि आप बोलोगे कि जी अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज कर लो, बस आप ये बोलो और मैं इसका इस्तेमाल करूं। देखो इस्तेमाल कैसे करना है मुझे। अब मैं यहां पे आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी के और चार्ज क्या है यहां पे क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना रह गया, तो आर माइनस एल, तो डिस्टेंस बिल्कुल सही आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन रिपल्सन है, ये रिपेल कर रहा है इधर से इधर की तरफ, तो ई प्लस क्यू जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो है टुवर्ड्स राइट साइड आप कह सकते हो, मैं यहां पे लिख दूं टुवर्ड्स राइट साइड कोई दिक्कत नहीं है, टुवर्ड्स राइट साइड राइट ओके। नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है ई माइनस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू जो कि यहां पे आप देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड में है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, इस पे चार्ज क्या है माइनस क्यू का है, तो के माइनस क्यू और डिस्टेंस कितने की है, तो आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर राइट। ये क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहे हो आप, ब्लैक से मैंने मार्क किया हुआ यहां पे ओके जी जी जी। अब अगला मेरा यहां पे चीज है, मैं एक सवाल यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, प्लस क्यू वाला या माइनस क्यू वाला, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रही है या माइनस क्यू पे, आप बेसिक यहां पे भी मैं दिखाऊंगा। मैं मेरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्लस क्यू पे ज्यादा लग रही है या माइनस क्यू वाले पे ज्यादा लग रही है, मतलब पी पे ये जो पॉइंट आपने बताया पी पर इसका ज्यादा इसका ये। हाँ बिल्कुल, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा लग रही है, मतलब जैसे इसकी लग रही है यहाँ पे, आप इसको देख के भी बता सकते हो, इसको देखोगे तो शायद आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है ना आर माइनस एल, मतलब डिस्टेंस छोटा है, आर माइनस एल छोटा है इसके रिस्पेक्ट में आर प्लस एल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर यहां पे कम हो रहा है, तो इसका ऑब्वियस ही बात है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ जाएगी। और यहां पे आपका ये क्या है, ये डिनोमिनेटर यहां पे आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू जो है, दिस वन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू राइट। जी सर। तो अब मैं आता हूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब सोचो कि एक पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये फोर्स मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है और ये फोर्स मान लो 6 न्यूटन का लग रहा है, तो ये सिस्टम किधर जाएगा सर, फिर से बोलेंगे? बिल्कुल, यहां पे पी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स 10 न्यूटन का राइट साइड में, एक फोर्स 6 न्यूटन का लेफ्ट साइड में, तो ये पी पॉइंट किस तरफ शिफ्ट करेगा,
प्लस टू के साइड, 10 न्यूटन के साइड। 10 न्यूटन की तरफ कितने फोर्स से? 4 न्यूटन। बिल्कुल सही, 4 न्यूटन के फोर्स से वो शिफ्ट करेगा। बहुत अच्छी बात। तो अब मैं रिजल्टेंट फोर्स तो वही होगा ना? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पी के लिए मैं निकालू तो कोई गलत नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रहा हूं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ड्यू टू डायपोल, ये आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है डायपोल के कारण क्या होगी पॉइंट पी पे। बहुत ही मार्केबल चीज है। चलिए पी पॉइंट पे देखते हैं। तो एक्सियल के केस में ई एक्सियल, तो प्लस के कारण और माइनस के कारण, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई प्लस क्यू प्लस के कारण, और प्लस ई माइनस क्यू माइनस के कारण। तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? देखो जरा, आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो क्या है? वो है आपके पास के, के कॉमन दिख रहा है, क्यू भी कॉमन दिख रहा है, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी आपको देख लेते हैं। अभी देखो, मैं के और क्यू कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना? और अब मैं R वाले का काम यहां पे करूंगा, 1/r-l का होल स्क्वायर। ये देखो r-l का स्क्वायर, और बीच में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आपको दिख रहा है यहां पे, तो माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना आसान काम हो गया। अब मुझे लगता है सिर्फ कैलकुलेशन करना आपके लिए रह गया है। यहां पे के क्यू एलसीएम ले लिया जाए तो ए माइनस बी या ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आप लिख सकते हो यहां पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं, माइनस आर माइनस एल का ऑल स्क्वायर। ये के क्यू, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस को मैं यूटिलाइज करता जा रहा हूं, प्लस 2RL अपॉन में ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, उसको आप कैंसिल करो। आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दिया आपने। तो अब आपके पास जो टर्म्स रह रहे हैं उसको आप नोट कर लो यहां पे नीचे में, देखते हैं। ये आपके पास रह गया, दिस वन इज इक्वल टू के क्यू, दिस इज 2RL एंड 2RL विच इज इक्वल टू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब ये तो पार्ट यहां पे आपके पास आ गया जी। ठीक है, अब ये एक चीज अभी आप, अभी और भी बचा हुआ है आपके पास, वो क्या है वो देखो। यहां पे आप क्या करने जा रहे हो, इसको आप ब्रेक करो, के क्यू और 2RL है तो इसको 2L इंटू 2R लिख सकते हो आप, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा हमने मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं Q इंटू 2L को मैं सेपरेट करूं, और Q इंटू 2L क्या है, एक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नीचे मैंने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर वैसे ही मैंने लिख दिया यहां पे। तो अब आपके पास ये जो टर्म आ गया ना, इस टर्म को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसको P लिखोगे इंटू 2R
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन अभी एक थोड़ा सा और काम करूंगा मैं। जैसा आपको पता है कि डायपोल में ये जो एल है, एल काफी छोटा होता है। मैंने बताया था आपको ये 2L जो इसके बीच की सेपरेशन होती है डायपोल की, काफी छोटी होती है। तो 2L अगर काफी छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है L भी काफी छोटा होगा इस R के रिस्पेक्ट में। ये R हमारा काफी बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो आप यहां पे अब ये दिखा सकते हो एक कंडीशनल, एक कंडीशन है। जब आप कंडीशन नहीं, जब तक आपके पास दी हुई है तो आप इसको यहां पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि भाई ई एक्सियल का जो फॉर्मूला अभी तक मैंने बताया है। तो आप कहोगे सर ये ठीक है फॉर्मूला आपने बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई एक्सियल के लिए आपने विदाउट कंडीशनल फॉर्मूला ये था। लेकिन मैं बोलूं कि ठीक है एक्सियल का तो बात यहां तक हो गया, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, कंडीशन चाहिए मुझे। कंडीशन में आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ठीक है जी सर। तो आर अगर वेरी ग्रेटर देन एल है तो ऑब्वियस ही बात है एल काफी छोटा होगा। तो ऐसे में एल स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, कैन बी नेग्लेक्टेड। आप बोलोगे ऐसा क्या चीज हो गया सर, ऐसे क्यों इसके साथ किया आपने? क्योंकि आप कहोगे जी सर अगर वन है ठीक है, या फिर तो वन या टू है तो टू का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन आप ये हाँ सर एक्सियल मतलब एक्सियल, एक्सियल अलोंग द एक्सिस। तो मतलब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल का निकालेंगे लॉन्ग एक्सिस, तो उसमें जो आर है वो एल से हमेशा बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, हमेशा बड़ा होगा, चाहे हम एक्सियल में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें चाहे इक्वेटोरियल में फाइंड आउट करें। जी अच्छा हाँ 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 ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तो एल को नेग्लेक्ट कर देना है। तो एल को नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या आ रहा है, के पी इंटू अपॉन में आर पे पावर फोर। अब यहां से आप कैंसिल करो, थोड़ा देखो क्या कैंसिल करना है, मतलब एक आर कैंसिल कर दो, यहां पे आर पे पावर थ्री आ गया ठीक है। तो आपके पास ई एक्सियल के लिए फॉर्मूला जो आपने फाइंड करना था कंडीशनल फॉर्मूला, वो आ रहा है टू के पी बाय आर क्यूब। ये आपके पास एक कंडीशनल फॉर्मूला आ रहा है यहाँ, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने। मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये टूवर्ड्स राइट साइड होगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन में वहां पे देखा था कि मतलब पोएटिक के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन राइट साइड में ज्यादा लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे राइट साइड में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पॉइंट आप यहाँ पे जज कर लो, कहीं पे भी एक पॉइंट पहले आप कंसिडर कर लो। ये पॉइंट मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलरली यहां पे ज्वाइन हो रहा है। और जैसे पिछली बार आपने क्या किया था, ये पॉइंट इस एक्सियल में, यहां पे पी पॉइंट एक्सियल में इस जगह पे अलोंग द एक्सिस लिया था। अब इसी पॉइंट को आप क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लेना है। सेम नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने पी पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया ठीक है, डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगी इन द केस, मतलब आप जैसे वहां पे इसको डिस्टेंस मिड पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस आप दिखा रहे थे आर, तो मैं अभी भी कर रहा हूं ये डिस्टेंस आप आर ले लो। और इवन आप ये डिस्टेंस कर रहे थे कि भाई सर ये डिस्टेंस स्मॉल एल होगा, मैं कर रहा हूं बिल्कुल ले लो स्मॉल एल है, ये डिस्टेंस भी स्मॉल एल है, टोटल डिस्टेंस 2L की लेंथ को बताएगा, इससे मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। इवन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको जैसे हमेशा यहां पे मैं क्या करता था, माइनस क्यू ले लेता हूं और दूसरी तरफ क्या लेता हूं मैं, प्लस क्यू ले लेता हूं। यहां पे अभी भी वही सारी चीजों को मैं ले रहा हूं यहां पे ठीक है जी। और अब जो है यहां पे एक लाइन से पी पॉइंट को, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज से लास्ट टाइम भी हमने ज्वाइन किया था, तो यहां पे भी आप क्या करो, पी पॉइंट को प्लस क्यू से और पी पॉइंट को माइनस क्यू से आप पहले ज्वाइन कर दो। तो आप जैसे मैंने बोला था पी पॉइंट आपका क्या होता है, पी पॉइंट आपको बताता है कि भाई वहां पे एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तो ये प्लस वाला जो है इसको रिपेल करेगा, रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ध्यान देना आप, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अब ये रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, तो रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा ठीक है।
पी पॉइंट पे जो चार्ज है उसको प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और क्यू पॉइंट पे जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी डायरेक्शन में, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट जी हाँ, अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है ना। अच्छा, तो मेरे को पी जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, पी पॉजिटिव है और पॉजिटिव को ये निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये इस तरफ अटैक करेगा, और इसका जो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट आपका इस तरफ होगा, ये देखो इस दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। अब जैसे लास्ट टाइम आपने क्या किया था, आपको याद होगा, इस तरफ लिखा था आपने E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और आपने ये वाले को माइनस वाले को लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। देखो ये प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू लिखा। ये माइनस क्यू के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई माइनस क्यू लिखा, राइट जी। अब देखो आप एक सर 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 ये रिजल्टेंट इस साइड पे जाएगा, मतलब ऐसे स्ट्रेट। बिल्कुल, रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, हमेशा जाएगा, क्योंकि देखो दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच से होता है, जैसे कि आपने ट्रायंगल लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ जो पैरेललोग्राम है उसमें आपने स्टडी किया होगा, ए और बी दोनों वेक्टर होते हैं तो उसके रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच का होता है। अच्छा, अब ये बात एक बात और देखो आप, ये जो आप देख रहे हो ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल वाली, ठीक है, ये ई इक्वेटोरियल वाली जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना ये क्या है। ये बेटा यहां पे आपकी अगर एंगल बन रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है मिड पॉइंट पे, जितनी एंगल यहां पे बनेगी उतना ही इंक्लाइनेशन इस वाले लाइन का भी होगा, तो ये भी उतना ही एंगल बनाएगा थीटा। अब अच्छा, हाँ, वो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अब चूंकि एक चीज आप देखो यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये लाइन जो है जो रिजल्टेंट की लाइन है, और ये जो आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू तक गया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो ऑल्टरनेट एंगल से, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल आपका जो है इस एंगल के इक्वल होगा, और ऑल्टरनेट एंगल से ये वाली जो एंगल होगी ये इसके इक्वल होगी जी। तो अब ये दोनों फिर से यहां पे भी एंगल सेम आ गए, मतलब ये एंगल वैसे एंगल सेम आ गया, बिल्कुल सही। अब देखो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, समझना इसको, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने याद होगा आपको, के क्यू बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो ये आर है, आप सोचो यहाँ पे ये क्या है, ये आर है और ये एल है, तो ये क्या होगा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी। सेम जो डिस्टेंस ये वाला देख रहे हो, सेम ये डिस्टेंस इसका, इसके लिए भी डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये होगी, सेम होगी जी। तो अभी मैं यहाँ पे, अब इसकी स्क्वायरिंग मतलब आर स्क्वायर मतलब इसकी स्क्वायरिंग करोगे, डिस्टेंस की स्क्वायरिंग करोगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस दोनों की स्क्वायरिंग करोगे आप, तो कितना आ रहा है आपके पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी। किस डायरेक्शन में, तो इधर से इधर की तरफ, अगर मैं यहां पे ए मान लू और इस तरफ बी मान लू अपनी कन्वीनियंट के लिए, तो बी से पी की डायरेक्शन में, तो अलोंग बीपी, क्योंकि लेफ्ट राइट यहां पे तो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के कारण आपको देखना पड़ेगा, तो के, और मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं क्या, के क्यू, ठीक है। तो अभी देखो मैं लिख रहा हूं के क्यू अपॉन में डिस्टेंस, देखोगे बेटा डिस्टेंस वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं यहां पे। तो भाई ये क्या हो गया, फिर से वही वाली वैल्यू आ गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर माइनस क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, आपने पूछा है माइनस क्यों नहीं होगा, तो मैं अभी उसके बारे में भी बताऊंगा,
अभी पहले इसको आप देख लो, उसके बाद मैं माइनस या प्लस की बात करता हूँ। आपने सही पूछा, पूछना आपने सही पूछा। यहाँ पे किस डायरेक्शन में? तो पी से ए के डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग पी ए, पी से ए की डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और जब आप बात करते हो मैग्नीट्यूड, अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो प्लस क्यू चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वही सेम मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसका। अगर माइनस आप अप्लाई करोगे ना, देखो यहां माइनस अगर हमने अप्लाई किया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए भी जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि देखो वैल्यू सेम आ रही है। अगर माइनस को हटा दिया जाए सिर्फ। सर, हाँ जी सर, ये हमने मॉडुलस में क्यों लिया? मैं ये इस बताना चाह रहा हूँ मॉडुलस में दिखा के कि मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है, सिर्फ माइनस को छोड़ के दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ अब अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है तो आप क्या लिखोगे इसकी वैल्यू? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस इतना ही लिखा जाए। में आ गया मॉडुलस में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे। यहाँ सिंपल एडिशन से आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी नहीं मिलेगी। आप रिजल्टेंट को कैसे स्प्लिट करते हो ये देखना है। देखो अगर ई प्लस क्यू इस डायरेक्शन में है और ई प्लस क्यू, तो इस डायरेक्शन में ये ई प्लस क्यू कितना का कंपोनेंट बनाएगा और ई प्लस क्या कंपोनेंट बनाएगा? तो आपको आप बोलोगे कि भाई ये ई प्लस क्यू जो है ना इस डायरेक्शन में, चूंकि थीटा एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसलिए ये बनाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा इस तरफ। तो अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे कंपोनेंट फिर इस डायरेक्शन में क्या होगा ऊपर की तरफ? तो मैं बोलूंगा कि इस तरफ आप भी, आपको भी पता है कि इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। आप एग्री करते हो? कंपोनेंट कंपोनेंट किसी का, किसी वेक्टर का कंपोनेंट ऐसे ही स्प्लिट करते हैं ना। अगर मान लो कोई वेक्टर आपको दे दिया, यहाँ पे एक वेक्टर लिख दिया इसने ए, ठीक है, और इस ए वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है ये, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे आप लिखते हो ए कॉस थीटा और इस तरफ लिखते हो ए साइन थीटा। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाले के साथ साइन थीटा। तो ये जो ई प्लस क्यू है, ये आपका जो एंगल बना रहा है ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू ये जो एंगल बना रहा है, ये ई प्लस क्यू इसके साथ रिजल्टेंट के साथ पी ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर इस तरफ क्या बना रहा है? ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। चूंकि ये अच्छा, ये अगर ये माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है आपका तो प्लस लोगे, आप बोलोगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा। किसका कंपोनेंट? E प्लस क्यू का कंपोनेंट। अब यहां पे कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं E माइनस क्यू वाले की। देखो E माइनस क्यू का जो जिसके साथ एंगल बना रहा है इस तरफ, तो इस तरफ जो एंगल बना रहा है ये बनाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा और इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ जो एंगल बना रहा है इसका कंपोनेंट जो इस तरफ बन रहा है इसके ठीक परपेंडिकुलर वाले में ये बन रहा है e माइनस क्यू साइन थीटा। हाँ ये साइन थीटा बन रहा है, ठीक है। अब इसका भी कंपोनेंट आपने एक तरह से स्प्लिट कर दिया कॉस में और साइन में। जी आपने क्या बोला कि जो मैग्नीट्यूड वाइज है ये और ये इक्वल है। तो देखो अगर e प्लस क्यू जितना ऊपर की तरफ मतलब फोर्स लगा रहा होगा, e माइनस क्यू उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। तो ये वाला ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा ये एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जिस तरह से मान लो 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल आउट करेगा। नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो लग रही है आपकी ये E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, वो भी किस डायरेक्शन में? वो भी लेफ्ट साइड में।
ठीक है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो देखो आप ई इक्वेटोरियल, ध्यान से देखेंगे, ई इक्वेटोरियल के लिए ऐसा करके शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू ई माइनस क्यू, हाँ माइनस में लिखूंगा, तो मैं माइनस, देखो अभी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, अभी दोनों के दोनों में माइनस लगेगा, इसमें भी लगेगा माइनस, ठीक है, और इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, तो माइनस ई माइनस क्यू कॉस थीटा माइनस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, सही है क्या? अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां क्या करने जा रहा हूं वो देखो आप, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं दोनों से, ये क्या हो गया ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे प्लस ई प्लस क्यू, ये सॉरी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहां पे प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है जी। अब बिल्कुल आपने वो जो वो बात की है, माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड के, तो माइनस टू टाइम्स ऑफ आप ई माइनस क्यू कॉस थीटा लिख सकते हो, या फिर आप जी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस टू टाइम्स ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट में आप देखो यहां पे क्या करने जा रहे हो, माइनस टू और e प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इस जगह पे आप के क्यू इसकी वैल्यू सिर्फ रखने जा रहे हो अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा मैं ऊपर के डायग्राम से आपको दिखा के बता रहा हूं, देखो कॉस थीटा इस किसी भी ट्राइंगल में ले लो, पी बी ओ में ले लो, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस एल है आपका और हाइपोटेनियस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अंडर रूट में है जी, तो आप यहां पे लिख सकते हो एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां पे आप इनटू में करोगे कॉस की जो वैल्यू है यहां पे लगाओगे एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार अगर आप ध्यान दोगे तो बड़ा ही मजेदार फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके सामने, टू क्यू एल, टू क्यू एल किसके इक्वल हो गया, डायपोल मोमेंट, बिल्कुल, तो आप यहां पे माइनस टू के पी अपॉन ये हो जाएगा आपका, इस पे पावर ये एक तरह से स्क्वायर रूट हटाओगे वन बाय टू, इस पे पावर वन, तो आप लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर वन बाय थ्री बाय टू, ठीक है, क्योंकि इस पे पावर क्या है वन है और इस पे पावर रूट है मतलब वन बाय टू है, तो वन प्लस वन बाय टू पावर एड हो जाएगा तो थ्री बाय टू हो जाएगा आपका। अब ये देखो आप, ये तो आपका फिर से वही वाली बात हो गई, इसको मैं वैल्यू रख के इसको बॉक्स में मैं डालने वाला हूं क्योंकि ये आपका डायपोल मोमेंट निकल गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेटोरियल के लिए आपकी वैल्यू आ गई है, तो इसको आप बॉक्स में डाल दिया आपने। लेकिन केस कंडीशन वाइज, जैसे पिछली बार भी हमने कंडीशन लिया था, वो कंडीशन मेरा हमारा ये था कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो आपने क्या किया था, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया था आपने, तो अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आएगी जी, वो आ जाएगी आपकी माइनस टू के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू थ्री बाय टू पावर में, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ई इक्वेटोरियल के लिए माइनस टू के पी बाय आर क्यू, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला इसके पास केस के लिए कंडीशनल फॉर्मूला जो है वो ये आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हो
आप देखो यहाँ पे आप क्या लेते थे, याद होगा आपको, माइनस लेते थे, इस तरफ प्लस लेते थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर आप बता सकते हो तो बता दो मुझे। सर नहीं पता। बिल्कुल आसान है, देखिए जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल जो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ध्यान रखना याद रह जाएगा आपके पास, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और इसको पी से लिखते हो, पी तो ये तो पता ही है, डायपोल मोमेंट को पी से लिखते हो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रहेगा। यहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ एक्सियल पोजिशन ड्यू टू डायपोल। तो इस केस में, एक्सियल पोजिशन के केस में आपने क्या देखा था, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी, राइट साइड में, क्योंकि आपका E प्लस क्यू जो था, ये जो देख रहे हो आप, E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू, ठीक है जी। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डायपोल के डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन भी आपका क्या था, निगेटिव से पॉजिटिव था। तो ये भी आप कह सकते हो दिस इज ऑल्सो निगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजिशन ड्यू टू डायपोल इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव और सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक डायपोल की है वो क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल को देखना होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, डायपोल दे दिया, तो डायपोल की डायरेक्शन किधर है। तो आपको यहां पे डायपोल की डायरेक्शन यहां पे दिखानी पड़ सकती है। तो डायपोल की डायरेक्शन आप किधर दिखाओगे, पी से मैं दिखा रहा हूं, देखो, और डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो यहां पे आप एरो मार्क से दिखा सकते हो कि भाई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल की डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहां पे आपको बताऊं मैम, यहां पे जो चार्ज होगी ना, एक तरफ चार्ज ये वाला जो होगा इस तरफ प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है यहां से इस तरफ दूसरी तरफ जा रही है, तो ये होगा आपका प्लस और दूसरी तरफ ये वाला माइनस रहा होगा, है ना, तभी तो इधर से इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस तरफ, वो फोर्स क्या होगा इस तरफ, आप देखो एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई, ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से इस साइड डायरेक्शन में अगर जो फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, ये लग रहा होगा बेटा आपका एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये इस तरफ लग रहा होगा, इसके कारण ये कुछ एंगल से टिल्ट होने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहां पे जो एंगल बन रही होगी आपकी वो कितने की बन रही होगी वो दिखाता हूं मैं। ये एंगल इस तरह से, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं दोनों चार्ज के एंड पॉइंट को, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया यहां पे, देखो आप, और इसको इस तरह से मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया, और ये दिखाया मैंने कि यहां पे जो एंगल बन रही है ये बन रही है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा बन रही है, तो इसका कंपोनेंट, अब ये यहां पे भी आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर लूं, मान लो कि ये ए बी और सी, इस तरह से एक ट्रायंगल कंसीडर कर लूं, तो ट्रायंगल एबीसी में मैं साइन थीटा चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों आ जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इसके फॉर्मूले के लिए जो यूज होता है वो होता है टॉर्क का जो फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं अभी तक मिली हुई है, तो बीसी जो यहां पे है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बीसी कैसे निकाला जाए, इसके लिए मैं चाहता हूं कि साइन थीटा अगर आप निकालते हो तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, देखो साइन थीटा ये एंगल है आपकी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये है एसी, जो कि एसी आपका टू एल के इक्वल है। तो बीसी यहां से आपके पास बीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एल साइन थीटा, क्योंकि 2l से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू मैंने क्या बताया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका 2l साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और काम करना है आपको, वो क्या है वो देखो,
टॉर्क इक्वल टू आपके पास फोर्स इक्वल टू होता है, ये चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू टू एल साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो क्यू, फिर से आपके पास क्या आ गया, क्यू और टू एल जो कि डायपोल मोमेंट को बता रहा है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया फिर से पीई साइन थीटा, तो ये टॉर्क का आपके पास फॉर्मूला मिल गया। बड़े ही आराम से आपने यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया और बहुत ही कम टाइम में। देखो बिल्कुल डायग्राम देखना है, बाकी चीजें आपको खुद से लैंग्वेज लिखनी है कि आपने क्या लिया है। यू आर टेकिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ फोर्स, टू फोर्स, अ पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग हियर, वन इज द एफ इक्वल टू क्यू ई एंड अदर इज द एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए ये तो फोर्स ये फिर से इक्वल है फोर्स, लेकिन टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यहां पे निकाला और रिजल्ट आपके हाथ में। लेकिन अभी देखो अब क्या करना है आपको, अब यहां से आप देख सकते हो कि केस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट रीड किया होगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपके दिमाग में होगा तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रॉस प्रोडक्ट में आप चेंज कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई बिकॉज पी ई साइन थीटा, जैसे ए क्रॉस बी लिखते थे तो ए बी साइन थीटा, उसी तरह से पी क्रॉस ई लिखा तो दैट मीन्स पीई साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो अब यहां पे डायग्राम भी क्लियर बताएगा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, और यहां पे आपकी एंगल भी, मतलब अगर आपने थीटा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क ऐसे केस में जो होगा टॉर्क मैक्सिमम होगा क्योंकि टॉर्क पीई के इक्वल हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अगर 1 है तो ये मैक्सिमम हो गया। और अगर थीटा आपने 0 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो फिर तो आपका टॉर्क यहां पे 0 हो जाएगा ना, तो टॉर्क अगर आपने यहां पे ले लिया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा, तो देखो यहां पे एक डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। देखो ये देखो ये जो डायपोल है, ये डायपोल इसका मतलब थीटा 0 मतलब इसी एंगल में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रही होगी। तो अगर आप थीटा 0 लेते हो तो टॉर्क आपका क्या आएगा, तो थीटा 0 ले लो तो टॉर्क आपके पास क्या होगा, साइन 0 डिग्री 0 होती है तो टॉर्क भी आपका 0 आ जाएगा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, ये जो सर जैसे आपने बोला कि ए जो ए टू बी जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। हाँ बिल्कुल, अगर कब, जब आप मतलब थीटा 0 लोगे, अभी क्या है यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रही थी, देखो अभी कुछ एंगल बन रही है, थीटा एंगल बन रही है, देख रहे हो ना यहाँ पे। लेकिन एक डाउट है कि सर जैसे सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैसे सेम हो सकते है, ये नेगेटिव है और यहाँ से ये पॉजिटिव जा रहे, वो तो फोर्स लगा रहा है बेटा, वो तो फोर्स लगा रहा है, उधर पॉजिटिव है, वो तो फोर्स लगाएगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उस तरफ उस चार्ज पे। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जो टॉर्क डायपोल है मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, आप देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इधर से इधर, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये जो है, ये अभी थीटा एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है तो एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगी। थीटा अगर 0 हो गई तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे ये पूरा का पूरा टर्म को ये 0 कर देगा तो सिर्फ टॉर्क इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। जब एरिया वेक्टर की बात होती है तो एरिया वेक्टर में जो भी आपके पास प्लेन दी हुई है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं है ना, उसको आप एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आएगी, अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक एरिया है, यहाँ पे हमारे पास एक एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे मैं इस एरिया को मैं इस तरह से लाइन से दिखा रहा हूँ, ये हो गया इस तरह से, ये मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, बिल्कुल लिटाया हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा रख के रखा हुआ है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी मतलब इस तरह से ऊपर की तरफ आप देखोगे, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं उसे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ आपको दिखाना है,
तो लाइंस मैं देखूंगा, एरो मार्क दूसरा मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि लाइंस हमें दिखाने में ठीक रहे। ये देखो ऊपर की तरफ ऐसा, तो ये जो सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है जो इसके डायरेक्शन को बताता है, तो ये इसके सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर माना जाएगा। मतलब मान लो इस सरफेस की एरिया ए है, मान लिया हमने, तो इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, फेस की तरह ऊपर की तरफ, तो इसको बोलोगे आप एरिया वेक्टर, है ना। अगर मान लो कि ये छोटा सा सरफेस एरिया हमारा डीएस है, तो इसको आप डीएस एन कैप से भी दिखा सकते हो, ऐसा ए कैप इस तरह से आप दिखा सकते हो। मतलब इसका मतलब जो स्पेसिफाइड एन यूनिट वेक्टर को बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर जो होता है, मैंने बात की थी आपसे लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर के बारे में, तो वो यूनिट वेक्टर मतलब कोई भी प्लेन है ना, जैसे ये प्लेन एरिया है, प्लेन है ना ये, और प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल जो डायरेक्शन को दिखा रहा है वो इस एरिया का वेक्टर माना जाएगा, और इसलिए इसको बोलते हो आप एरिया वेक्टर। अब जैसे हमारा प्लेन यहां पे आप देखो दूसरे वाले केस में, ये वाला जो प्लेन है इसका कुछ अलग डिजाइन है, ये वर्टिकल रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, ये कैसा रखा हुआ है, ये वर्टिकल रखा हुआ है, तो वर्टिकल रखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से दिखाओ, ऐसा ये वर्टिकल है, और इसका जब ये वर्टिकल है तो इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो इस सरफेस एरिया का वो एरिया वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। अभी इसको ये प्लेन है हमारा, और इस प्लेन में मैंने क्या किया, मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन दिखा दी, ये देखो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन दिखा दी, तो इसका एरिया वेक्टर इधर माना जाएगा। अगर आपने इसको बी माना मान लो, तो इसका एरिया वेक्टर ये जो आपने बी माना, तो ये एरिया वेक्टर बी कैप इधर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कहने का मतलब उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर का, अगर आपका सरफेस एरिया कुछ ऐसा है, देखो अगर मैं कुछ दूसरे तरह का एरिया का मैं ले लूं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा। क्लियर सी बात समझ में आ गई? हाँ, मतलब सर जो भी सरफेस है जिसका मतलब एरिया निकालना या एरिया दिया उसके परपेंडिकुलर लाइन, हाँ उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो उसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेकिन जैसे जैसे सर ये जो आपने सर्कल बनाया है ये इस साइड ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा? नहीं नहीं, वो तो उसका सरफेस है बेटा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही बनेगा। अब सर्कल कुछ ऐसा भी मैं बना सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा भी बना दिया, मान लो कुछ एंगल से टिल्ट करके बना दिया, ऐसा बना दिया, तो सरफेस इस तरह का हो गया, तो इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, तो इसकी एरिया वेक्टर देखो किधर होगी, इसकी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब सरफेस आपका क्या कैसा है, तो सरफेस आप कह सकते हो कि जी मेरा सरफेस इस तरह का बनाया हुआ है, तो इस पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो है ना 90 डिग्री है, चाहे सरफेस आपको सरफेस को आप टिल्ट कर दो, कुछ भी एंगल से बेंड कर दो, लेकिन उसी डायरेक्शन में वो सरफेस एरिया, उसकी एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure the total number of electric line of force passing normally through the that area। ये जो number of lines, देखो कितनी number of lines pass करी, मान लो ये मैंने count करके यहाँ पे डाल रहा हूँ कि ये हमारे पास एक surface area से कितनी number of field lines pass कर रही है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो मैंने 8, 9, 10 ऐसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करा दी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इनसाइड दिस सरफेस एरिया इज नोन एज फ्लक्स, कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से होके पास करती है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बड़ा एरिया होता तो ज्यादा थोड़ा नंबर ऑफ लाइन पास करती, तो यहाँ पे फ्लक्स इससे रिप्रेजेंट करते हो, तो फ्लक्स को जो नॉर्मली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो फाइ से लिखते हो, किससे लिखते हैं फाइ से, और फाइ इक्वल टू होता है ई इंटू ए, ई जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया आपने, और ए जो है इसका एरिया माना जाता है जिससे होके ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो फाइ इक्वल टू ई इंटू ए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये जो फ्लक्स है ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आप कहोगे ये कैसे हो गया,
आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में W इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क डन जो है आपका स्केलर क्वांटिटी आता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है टू वैक्टर्स का वो हमेशा स्केलर होता है। ये एक प्लेन ले लिया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखा रहा हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्योंकि प्लेन भी थोड़ा सा टिल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। और अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जबकि मेरी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी इसी डायरेक्शन में है, सारी इसी डायरेक्शन में, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी ऐसे ही पास करेगी, ऑब्वियस सी बात ऐसे ही पास करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ही पास कर रही है। जबकि इसका जो एरिया वैक्टर है, इस सरफेस का जो एरिया वैक्टर है वो क्या है, वो आपका कुछ इस तरह का है। देखो उसका एरिया वैक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, ये है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में दिखा दिया और ये एरिया वेक्टर को मैंने लिखा एन कैप से मान लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी यहां पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने एरिया वेक्टर के साथ मान लो एंगल बना रहा है ये थीटा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि एरिया जो है, ये एरिया जो है, एरिया को आप डेल्टा एस से दिखाते हो। तो एरिया वेक्टर जो है ये जो जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ एंगल बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है एरिया वेक्टर के साथ। तो इसलिए ये इसका कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ई कॉस थीटा। इसलिए जो फ्लक्स आप निकालते हो, अगर छोटा सा भी फ्लक्स निकाला जाए, छोटा सा फ्लक्स के बारे में बात करें, डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होगा ई डेल्टा एस, है ना, और कॉस थीटा। क्योंकि ये आपका देखो ई इंटू कॉस थीटा तो एक कंपोनेंट हो गया, ई इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया, और एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर डेल्टा एस हो गया। तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, ई डेल्टा एस से, ई डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट से, ऐसा। तो ये हो गया डेल्टा फाई, मतलब डेल्टा इसलिए क्योंकि एक छोटे से जगह की छोटे से पार्ट के फ्लक्स को बताना है, छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स बतानी है, इसलिए छोटा सा फ्लक्स होगा, इसलिए डेल्टा का टर्म यूज करते हैं। कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से होके जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगी, है ना, तो नेट चार्ज जो होगी उसकी, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, सरफेस देखो जो भी मैंने यहां पे ड्रॉ किया है वो सारी क्लोज सरफेस है, ये है क्लोज सरफेस, ये है क्लोज सरफेस, वो होगी वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। तो दैट मीन्स फ्लक्स जो होगा, दिस वन इज वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, मतलब क्यू के, दैट मीन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स ने बता, गॉज ने बता दिया। अभी फ्लक्स के बारे में इससे पहले बेशक हमने पढ़ा था ई इंटू ए, ई इंटू डेल्टा एस, अभी अभी हमने पढ़ा था डेल्टा फाई इक्वल टू, लेकिन अब ये गॉज ने ये वाला लॉ दे दिया। इसमें एक खास बात क्या है कि देखो यहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब यहां पे जैसे कि आप लेंथ ले लोगे या आर ले लोगे, इसमें भी आर ले लोगे, ये स्फीयर है एक तरह का, तो ये कहोगे कि आर पे डिपेंड करता है, तो नहीं, चाहे आप इसमें कितना भी आप इसकी एरिया बढ़ा दो तो उससे इसके फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस फॉर्मूले को देख के लग रहा था कि चेंजेस आएगा, लेकिन गॉज ने जो अपने कॉन्सेप्ट दिया उससे पता लग गया कि ये जो है बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब इससे इससे कितना फ्लक्स होगा, तो इससे भी फ्लक्स क्या होगा, तो आप क्लियर सी बात है, इससे भी फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका फ्लक्स कितना होगा, इसका भी क्यू बाय एप्सिलॉन, इनक्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए, ये जैसे स्फीयर है, मैंने पहले ही बताया ये स्फीयर है, इसका फ्लक्स कितना होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का, किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी के लिए ध्यान रखना है, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, इस चीज को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज, ये नेट चार्ज के, नेट चार्ज अगर आपने इस पे चार्ज, सब पे चार्ज क्यू दे रखा है, तो इस सब का जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का, ये फ्लक्स होगा, ये गॉस थ्योरम था। अब इसकी प्रूफ को भी देखेंगे, यहां पे मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, इसका सरफेस एरिया जो है, ये जो स्फेरिकल बॉडी मैंने लिया है, इसका सरफेस एरिया मैं मान लेता हूं कि इसका सरफेस एरिया एस है, यहां पे सेंटर पे आपने क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, और इसकी जो एरिया वेक्टर है वो डी एस, ये एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर,
इवन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करोगे आप, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इसकी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ऐसी निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में निकलेगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा दिया और एरिया वेक्टर भी दिखा दिया, दोनों दिखा दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चलो देखते हैं। आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी स्टार्टिंग यहीं से की थी हमने, और के का मतलब 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चूंकि यहां पे एरिया वेक्टर डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों पैरेलल हैं, मतलब दोनों के बीच एंगल बन रही है 0 डिग्री की, ठीक है। और फ्लक्स थ्रू एरिया, जो सरफेस एरिया है डी एस, वो क्या होगा, यहां पे देखो फ्लक्स थ्रू एरिया डी एस इज, इसको आप लिखोगे डी फाइव, डी फाइव छोटा सा फ्लक्स की बात कर रहे हैं, पूरे की बात करेंगे तो एरिया बना देना है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी आप क्या लिखोगे ई डी एस, ठीक है ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला जान चुके हो आप कैसे लिखा आपने, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा और डी एस की वाली बात हो गई, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ई कॉस थीटा, ई अब यहां पे दोनों के बीच की देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच की एंगल 0 डिग्री, तो ई कॉस 0 डिग्री डी एस, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1, बिल्कुल सही बात। तो ये आपके पास आ गया क्या ई डी एस, किसका वैल्यू आ गया ई डी फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब मुझे चाहिए पूरे के फ्लक्स के थ्रू, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा सरफेस एरिया बन रहा होगा, यहां पे भी बन रहा होगा, ठीक है, इसके कारण भी पूरा सरफेस एरिया होगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो इस पूरे के सरफेस एरिया के निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट बोथ साइड पूरे क्या निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू, ये हो गया ई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म है, इसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन आप करोगे डीएस का, डीएस क्या है इनक्लोज सरफेस एरिया, इसलिए मैंने यहां पे इंटीग्रेशन में इनक्लोज का साइन लगाया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है, सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फेयर का, सरफेस एरिया होता है 4πr² है ना, अगर रेडियस तो 4/3πr³, नहीं वो वॉल्यूम होता है, 4/3πr³ जो होता है वो वॉल्यूम होता है, ये सरफेस एरिया होता है 4πr² जो होता है ना वो। तो ई जो है, ई का, ई की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, देखो ई की वैल्यू आपने यहाँ निकाला 1/4πε0³/r², ई की वैल्यू आप यहाँ पर रखो, क्या रख रहे हो आप 1/4πε0³/r² इंटू डी एस, डी एस में क्या रख रहे हो आप, ये 4πr² 4πr² देखो आप 4π और 4π कैंसिल कर दो, r² कैंसिल कर दो, क्या बच गया, एक तो q बचा और नीचे में क्या बच रहा है एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, तो फ्लक्स कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ = q / एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमें प्रूफ करना था गॉस लॉ के लिए।